शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना के चलते सरकार ने 2 महीनों का लॉकडाउन किया था, अब 1 जून से अनलॉक की शुरुआत हुई है। इसमें शासन की ओर रियायतें भी दी गई है, साथ ही अब शहरों के दिनचर्या शायद सामान्य होगी, मगर अब निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी नौकरी की चिंता सता रही है। शहर में ज्यादातर निजी कंपनियां ऑफिसेस कर्मचारी निकालने का काम हो रहा है, यही हाल नागपुर के मनपा में भी हो रहा है। मनपा की ओर से ऑफिसेस में काम करने के लिए 56 युवा कर्मचारियों की भर्ती कराई थी, मगर अब इन 56 लोगों को आर्थिक कारण बताकर नौकरी से निकाल दिया है। ये सभी बाउंड पर काम कर रहे थे। आयुक्त तुकाराम मुंडे के आदेश जारी कर इनके नौकरियों पर हथौड़ा मार दिया है। इन सभी ने सोमवार को मनपा मुख्यालय में आंदोलन भी किया। सभी का कहना है कि हमारी मनपा को जरूरत है, ऐसा अधिकारियों ने आयुक्त को लिखित में भी दिया है। इसके बावजूद ये निर्णय लिया गया। इस खराब समय में हमें हमारी नौकरी से न निकाले। एक तरफ गवर्नमेंट ऐसा कह रही है, प्राइवेट सेक्टर वालों को ऐसा कह रही है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को मत निकालिए, हाँ, और वो खुद ही अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है ऐसे ख़राब समय में। हम कहाँ जाएँ, बहुत बड़ा सवाल है। हम डायरेक्ट टेंडेंसी रिक्रूटमेंट है, हम टोटल 56 लड़के हैं जिसमें डिग्री धारक, डिप्लोमा धारक और आईटीआई धारक हैं। ये सारे इंजीनियर्स 10 जोन में और यहाँ मेन सिविल ऑफिस में काम कर रहे थे। हम सारे कामों में हाथ बटाते थे जो कि हमारे जूनियर इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स ने बताते थे। कुछ अल्टीमेटम नहीं दिया, बोले उन्होंने ये कहा कि हमारे पास अब पैसे नहीं है, वी कांट पे यू, और उन्होंने हमें निकाल दिया। हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में यहाँ काम करते थे, उन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया।